सूर्योदय के साथ दौड़ा रीवा, कायम रखी अपनी 33 सालों की परंपरा, स्वच्छता को समर्पित रही है शांति दौड़। अलविदा 2018 के साथ मंगलवार की सुबह लेकर आए एक नए साल को, नई आशाओं नई उम्मीदों के साथ। इसी के साथ रीवा वासियों ने बेहतर आज बेहतर कल, स्वच्छ रीवा स्वच्छ भारत को समर्पित शांति सद्भावना की प्रतीक दौड़ का एक बार फिर आयोजन कर नए साल का स्वागत किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिएक्ट संस्था द्वारा पिछले 33 साल से लगातार 9 वर्ष के आगमन पर सूर्योदय के साथ आयोजित की जाने वाली दौड़ का। सुबह सवेरे हजारों की संख्या में एकत्र होकर टीआरएस कॉलेज से सिरमौर चौराहे के बीच कदमों ने स्वच्छता में नंबर वन बनाने रीवा को वादे के साथ दौड़ लगाई। रीवा में आयोजित शांति सद्भावना दौड़ प्रत्येक वर्ष किसी न किसी मकसद के लिए समर्पित रहती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस बार नारा स्वच्छता का था। साथ ही धावकों के बीच नारी अबला नहीं, नारी झांसी की रानी भी है का संदेश दिया गया। साथ ही लिल्ली घोड़ी जैसी लुप्त हो रही कला का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राःस्थिरैरञ्जैर्पुष्टवाग्भूसदनोर्भिद्यशेमहिदेवहितन्दयायो शतमिन्नो शरदो अन्वितः। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के टीआरएस कॉलेज के मैदान में। यहाँ पर पिछले 33 सालों से लगातार शांति दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर आयोजनकर्ता मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मुकेश अंगल से, जिन्होंने इस आयोजन की नींव रखी। 1987 से देश का ये एकमात्र शहर है जहाँ पर लगातार हर नए वर्ष पर पहले दिन सूर्योदय के साथ में शांति एवं सद्भावना का संदेश देने हजारों शांति धावक नगर के प्रमुख मार्गों पर पद संचलन करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिससे विश्व में शांति एवं सद्भावना का संदेश जा सके। 1987 से जो ये दौड़ शुरू हुई है, निरंतर चल रही है। इसे हम इसमें हमें जिला प्रशासन, नगर निगम और यहाँ की स्थानीय संस्थाएं जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनका बराबर सहयोग मिल रहा है। रीवा नगर की यह शान है, यह 33वां शांति दौड़ का आयोजन। सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की। 33वां शांति दौड़ सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी शांति दौड़, सभी भाईचारे के साथ मिलकर एक नया स्वरूप देते हैं नई सुबह। शांति एवं सद्भावना के लिए समर्पित ये 33वीं शांति दौड़ पर सभी नगरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रीवा में जो ये परंपरा चली आ रही है, भारत ही नहीं पूरे विश्व का एक अनूठा परंपरा है, जो आज शांति दौड़ 33वें स्थान में प्रवेश कर रही है। इसलिए रीवा वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश देश सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो नववर्ष की। 33वां पूर्व यह है रोज विश्व शांति के संदेश के लिए जो शांति एवं सद्भावना दौड़ प्रारंभ हुई। आज प्रथम सूर्य की रश्मि शांति एवं सद्भाव एवं स्वच्छता को समर्पित करके जो शांति सद्भावना दौड़ प्रारंभ हुई है, उसके लिए सभी भारत के निवासियों और रीवा नगर सहित सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सब खुश रहें और इस शांति एवं सद्भावना दौड़ के माध्यम से जो हम सबके लिए मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं कि शांति रहे, स्वच्छता रहे, महिलाओं का सम्मान हो तो वो होना चाहिए। सब खुश रहें, नववर्ष की एक बार फिर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शांति दौड़ में प्रति वर्ष लगभग 30 वर्षों से आ रही हूँ और हमारे एनसीसी कैडेट्स भी बराबर आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिससे कि एक संदेश मिलता है स्वच्छता के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी। और सबसे बड़ा संदेश हमारे युवाओं को मिलता है कि न्यू ईयर में प्रातः सूर्योदय के समय हम यहाँ सब आ जाते हैं और पूरे शहर को पूरे राष्ट्र को संदेश मिलता है कि हमको आगे बढ़ना है और कदम से कदम मिला करके अपने शहर के और राष्ट्र के
शांति और सद्भावना दौड़ का ये 33वां साल। आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। रीवा ने एक इतिहास रचा है। मीडिया से लेकर हमारे सभी साथी सुबह 7 बजे सिटी हाउस कॉलेज में इकट्ठा होते हैं और ये 33वां वर्ष। आइए सब हम मिलके देश को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छ भारत अभियान को सफल करें और सब में सद्भावना हो, सब में आपसी भाईचारा हो और भारत माँ को अपने चरम पथ पर ले जाएं, भारत माँ को पूरे विश्व में सरताज बनाएं। आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। लिल्ली घोड़ी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसको राज तिवारी भोला भाई ने ठाकुर अरे यार चीफ गेस्ट को दबाई देंगे सर, और नीचे करिए, आपको चेहरा ही नहीं दिख रहा। और किनारे मैं तो चाहता हूँ।